लोग आते हैं, भजन गाते हैं, चर्चा सुनते हैं, घर को वापस चले जाते हैं। आप मुख्यालय में भी जाते हैं साहब से मिलने के लिए, वहाँ भी पूछा जाता है कि आपके क्षेत्र में कैसा काम चल रहा है। हम लोग भी अपने आप में गौरवान्वित होकर बोलते हैं कि जी बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बात चल रहा था, साहब बिहार के ही कुछ जिलों से क्रॉस यानी आ रहे थे, आने के क्रम में उस जिला में उनका एकाएक नजर आया, याद आया कि शहर से तो गुजर गए लेकिन कंगनधारी शिरसित नजर नहीं आ रहे। क्या महादेव का काम हम लोग किए, कहने के लिए तो कहते हैं कि हम लोग महादेव का काम कर रहे हैं, भीड़ तो इकट्ठी हो रही है, लोग भी आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन शिरसित के रूप में लोग नजर नहीं आ रहे हैं। अगर बगल वाला भी आपको देखता है, पूछता है कि असिम चर्चा वाले आए हैं, शिव चर्चा वाले जा रहे हैं, यानी लोगों को भी अब यह खबर है कि लोग शिव चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं, यानी हम लोग चर्चैया हो गए। इतना न मन से चर्चा किए हैं, इतना न हम लोग चर्चा किए हैं, अब लोग भी हम लोग को पुकारने लगा है कि शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। साहब का कह नाम है, लोग कहे कि शिवशिष जा रहे हैं इस काम को करना है। यह काम होगा कैसे, वैसे यह नियम या उपनियम साहब के द्वारा यह अनुरोध आज नहीं अगस्त से ही यह शुरू है और 1 जनवरी से इसको लागू किया गया है, लेकिन आपके ही जिला में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यह खबर भी है और कर भी नहीं पा रहे हैं। खबर होते हुए भी हम लोगों ने इसी विचार के लिए आए कि चलिए वहाँ मिलजुल के इस पर बैठेंगे, लोगों से बात करेंगे और लोग इस काम को वहाँ करें, यही अनुरोध करें। यानी लोगों को यह खबर है कि साहब बोले हैं कि इस काम को फटाफट करना है, लेकिन सही स्थिति है कि जो लोग जिस प्रखंड में है, जिस जगह पे है, कोई 10 के टोली में, कोई 5 के टोली में निकलते हैं और इस काम को करते हैं। क्या कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब बोले हैं करने के लिए और 3 साल में बोले हैं कि 1000 शिवशिष बनाना है, 1 डेली बना लेंगे, काम हो जाएगा। ये आप काहे नहीं सोचते हैं कि 1 दिन में हम 1000 शिवशिष बनाए, लोगों की घोषणा करें, लोगों को जोड़े। आपका जो सोच है उस सोच को फैलाइए, एक दूरी तक ले जाइए और इस काम को कीजिए, क्योंकि साहब का यह कहनाम है कि कोई भी आयोजन यानी इस तरह से जो हम आप कर रहे हैं, क्या कहिएगा, हम भी इसमें फंसे हुए हैं, आज यहाँ फंस गए हैं। इस तरह का जो आयोजन होता है, इस आयोजन में जो लोग भी आते हैं, आने के लिए तो आही ना हो, 200 हो या 1 हो, आपको एक ही शिवशिष बनाने का सहभागिता होगा, यानी आपके अकाउंट में जुटेगा कि आप एक शिवशिष बनाए। यहाँ पर मंच संचालन करने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले या यहाँ के जो आयोजक भी हैं, अगर वह मंच से चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनको भी एक भी नहीं मिलने जा रहा है। यानी जो भाई बहन है अगर इस काम को करते हैं, अब उन लोगों के मन में हो गया है कि भैया 4 घंटा जाके हम चर्चा में जो बैठेंगे, इससे अच्छा है कि चलिए एगो टोली बनाते हैं, घूम घूम के हम 150 जोड़ के अपने घर को वापस आ जाए। लेकिन आप घूम घूम के जो चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं, आपके मोहल्ले में अगर चर्चा स्थल है या आप जिस जगह जाते हैं अगर वहाँ के चर्चा स्थल है, उन लोगों को यह बता देना है कि भैया इस दिन में इस जगह पे वहाँ पे चर्चा स्थल है, भैया आप वहाँ आइएगा, कुछ सुनिएगा, कुछ समझिएगा, यानी उनको यह बता देना है।
हम लोग को भी यही कोशिश होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक डर है, एक भय है, एक झिझक होता है कि सामने वाले व्यक्ति को कैसे बताएं, भैया कहीं कुछ तो बोलेगा नहीं, कहीं तो कुछ कहेगा नहीं, कहीं तो कुछ हमको आशीर्वचन तो ऐसा नहीं दे दे। यानी आपके मन में एक डर रहता है, एक भय रहता है, एक संशय रहता है। जरा बताइए तो हम, आप चेला किनका है? कहने के लिए तो कहते हैं कि महादेव मेरे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। आप इस धरती बड़े गुरु के शिष्य हैं, चेला है। कहने के लिए तो कह रहे हैं, गुरु का आदेश है कि दूसरे को बताना है, दूसरे को समझाना है, जोड़ना है। और आपके मन में किस बात की डर है? हम लोग को तो होना चाहिए कि भैया अगर मेरे सामने से कोई ऐसे लोग जो बिना कंगनधारी है, अगर वह नजर आ जाते हैं, हम लोग तो रोक के भी उनको बताते हैं, पहले उनको प्रणाम करते हैं कि भैया प्रणाम, जरा एक संदेश है, अगर आपके पास वक्त, क्योंकि आज के जीवन में सब लोग व्यस्त हैं। हम लोग पहले उनको प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के, और उनसे कहते हैं कि भैया महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं।